माधव कुमार, द एक्टर, द डायरेक्टर, द प्रोड्यूसर, द फिल्म मेकर, कंपोजर, सॉन्ग राइटर, द वन मैन आर्मी, माधव कुमार, माधव कुमार। मैं हूँ शाहरुख खान, ओम शांति ओम। और ये साउथ इंडियन फिल्म की एक बहुत ही बेहतरीन शूटिंग हो रही है। उसका सीन है, सामने से दीपिका पादुकोण सामने से आती हैं और ये शाहरुख खान का बेस्ट सीन स्टार्ट होता है। दुर्जन, मैं मुर्गन, என்ன ரஸ்கலா மைண்டேட், நெவர் மைண்ட், என்ன ரஸ்கலா மைண்டேட், ரஜினிகாந்தா, என்ன ரஸ்கலா மைண்டேட், எம் முருகனா, என்ன ரஸ்கலா மைண்டேட், முருகனா। ஆஜ் மே எக் பாத் போல்னா சாதா ஹம் आज मैं एक बात बोलना चाहता हूं। ये सब कुछ एक बार फिर होगा, मेरी जिंदगी में होगा और मैं अवार्ड जीतूंगा। ये दर्द मेरे अंदर आज भी है। मेरी माँ एक जूनियर आर्टिस्ट थी और मैं भी एक जूनियर आर्टिस्ट हूं। एक दिन मैं अवार्ड जीतूंगा, हीरो बनूंगा। मैंने तो उसके लिए एक स्पीच भी तैयार कर ली, एक स्पीच। लेडीज एंड जेंटलमैन, इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की कि सर्रे सर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। कहते हैं
कि अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने के लिए लग जाती। ये अहू ओम कपूर और मुझे मिला है अवार्ड। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। आज मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने ये अवार्ड मुझे दिया, पर सच बात तो ये है कि अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने के लिए लग जाती। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया और इतना कि मैं अपने आप को किंग ऑफ द वर्ल्ड समझने लगा। आज मुझे इस बात का यकीन हो गया कि हमारी जिंदगी में भी दी एंड होते होते सब कुछ हिंदी पिक्चरों की तरह ठीक हो ही जाता है, और अगर ठीक ना हो तो वो दी एंड नहीं है दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। मेरी फिल्म डर बहुत हिट हुई थी, मेरी एक्टिंग बहुत पसंद की थी लोगों ने। उसके बाद से मेरी हंसी भी चेंज हो गई और मेरे डायलॉग्स भी चेंज हो गए, और उसके बाद मेरी बहुत सारी ऐसी फिल्में आई जिसने लोगों का दिल जीत लिया, जैसे दिल तो पागल दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सब में दिल ही दिल था। इसीलिए मुझे बहुत सारे लड़कियों के और लोगों के दिल भी मिले। अब हम बुलाते हैं खिलाड़ी कुमार को जिन्होंने भी बहुत सारे दिल लूटे। हाय, मैं हूँ अक्षय कुमार और अब मैं आप लोगों को अपनी एक फिल्म का डायलॉग सुनाऊंगा जो कि मेरी ऐसी मील का पत्थर साबित हुई थी, जिसके बाद आने वाली मेरी सारी फिल्में बिल्कुल हिट होती गई और मेरी एक्टिंग को लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मेरी एक फिल्म आई थी इंटरनेशनल खिलाड़ी, उस फिल्म का डायलॉग था नहीं ट्विंकल नहीं, मैं लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करता, लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार करता है गुलशन ग्लोवर। यू की ये बात सुन के आई का दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। ठकराल, ये तूने बहुत गलत किया। आई तो हमेशा सही करता है, गलत तो यू है। यू शहर मयान बन गया है ठकराल, जिसमें दो तलवारें एक साथ नहीं रह सकती। मुनासिब होगा कि कल सुबह होते होते तुम ये देश ये शहर सब छोड़ के चले जाओ। ये शहर छोड़ के आई नहीं जाएगा, यू जाएगा। यू और तुम्हें इस देश से बाहर करेंगी मेरी ये तीन फीमेल फाइटर्स। ना तो इनके पास आंचल है, ना ही ये कहीं से तेरी माँ लगती है, क्यों सहारा लेता है इन लड़कियों का। ये ऐसी वैसी लड़कियां नहीं है, ये WWE की फीमेल फाइटर्स है, फीमेल फाइटर्स। अच्छा, ये फीमेल फाइटर्स तुझसे लड़ाई लड़ेंगी। ठकराल, तुझे मालूम है मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता। पर ये तो तुझ पे हाथ भी उठाएंगी और लाद भी उठाएंगी। ठकराल, अगर ऐसा है तो मैं मर्दों की शान भी रखूंगा और औरत की आन भी। यू की इस बात से आई का दिल तो गार्डन गार्डन हो गया, तो फिर देर किस बात की है। अब हम बुलाते हैं सलमान खान जी को जिनकी फिल्म तेरे नाम का बहुत ही फेमस डायलॉग था। अब वही बोलेंगे भैया। सुन चुनी इधर आ, एक बार बोलूंगा ध्यान से सुना, मेरा उसका चल रहा है किसका निर्चला का, और सब बात तय कर ली मैंने उसके साथ।
वो लन फाना समझो, अंदर कभी उसके साथ दिखाई मत देना। अगर तू उसके साथ दिखाई दिया ना तो सिगरेट तेरी चोटी में रखूंगा, रॉकेट की तरह चलेगा, समझो। अच्छा बेचारा मेरा एक और फिल्म का, इसी फिल्म का एक और डायलॉग था जो मैंने आज तक कभी नहीं बोला, पर आज मैं बोलता हूं। सुनो निर्जला, सुनो, मैं, मेरे घर वाले सब तुम्हें रानी बना के रखेंगे। प्लीज मेरी बात को मान जाओ। जब भी मैं सोचता हूं ना तुम्हारा उसके साथ क्या भविष्य होगा, मेरा दिल, मेरा दिमाग ऐसे चक्कर खा जाता है, ऐसे चक्कर खा जाता है। शायद हो सकता है वो लड़का तुम्हारे लिए बहुत अच्छा। तुम एक काम करो, उसे अपना भाई बना लो। तुम एक काम करो, उसे अपना दोस्त बना लो। मैं उसे दोस्त इक्वायर कर लूंगा। पर निर्जला, अब तुम्हें देर नहीं करना चाहिए। हमें आगे आने वाले भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। बिकॉज आई एम सलमान खान और मेरा एक और फिल्म का डायलॉग था, जय 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 एक बार जय जवानी फिर ना आए, हे जवानी फिर ना आए। अब हम इस प्यारी सी क्लोजिंग सेरेमनी में एक बहुत ही लाजवाब और नायाब एक्टर को बुलाते हैं जिनने बहुत ही अच्छा गाना गाया था। फिल्म बहुत ही सुपरहिट गई थी, रोसी का छोटा सा सॉन्ग हो जाए, हो यारी है, हो यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, हो यारी है, हो यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, हो यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, हो यारी है, हो यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, हो यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, हो यारी है, ओ यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, ओ यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, ओ यारी है, ओ यारी है ईमान मेरा यार जिंदगी, ओ यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, ओ यारी है, ओ यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, 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 ओ यारी है ईमान में यार मेरी जिंदगी, ओ यारी है, ओ यारी है ईमान यार मेरी जिंदगी, ओ यारी है ईमान में यार मेरी जिंदगी। मेरे साथ रहना है इतना तू समझ ले, अच्छा लगूं आ जाने तो सीधे तू निकलना है ममिता, ना दिलीप कुमार ना किसी हीरो के बच्चे, हम तो हैं सीधे साधे समीर समीर, कभी बैंग कभी बूम ऐसे समीर समीर, कभी बैंग कभी बूम ऐसे समीर समीर, ऐसे बैंग कभी बूम ऐसे समीर समीर, कभी बैंग कभी बूम ऐसे समीर। ना ममिता ना दिलीप कुमार ना किसी हीरो के बच्चे, हम तो हैं सीधे साधे समीर समीर, कभी बैंग कभी बूम ऐसे समीर समीर, हाँ कभी बैंग कभी बूम ऐसे समीर समीर, कभी बैंग कभी बूम ऐसे समीर।
या मैं हूँ शाहरुख खान, ओम शांति ओम। और ये साउथ इंडियन फिल्म की एक बहुत ही बेहतरीन शूटिंग हो रही है। उसका सीन है, सामने से दीपिका पादुकोण सामने से आती हैं और ये शाहरुख खान का बेस्ट सीन स्टार्ट होता है। यू दुर्जन मैं मुर्गन என்ன ரஸ்கலா மைண்டேட் நெவர் மைண்ட் என்ன ரஸ்கலா மைண்டேட் மாஹோ ரஜினிகாந்தா என்ன ரஸ்கலா மைண்டேட் எம் முருகனா என்ன ரஸ்கலா மைண்டேட் முருகனா. ஆஜ் மே ஏக் பாத் போல்னா சாதா ஏ சப் குச் ஏக் பார் ஃபிர் ஹோகா மேரி ஜிந்தகி மே ஹோகா और मैं अवार्ड जीतूंगा। ये दर्द मेरे अंदर आज भी है। मेरी माँ एक जूनियर आर्टिस्ट थी और मैं भी एक जूनियर आर्टिस्ट हूं। पर एक दिन मैं अवार्ड जीतूंगा, हीरो बनूंगा। मैंने तो उसके लिए एक स्पीच भी तैयार कर ली, एक स्पीच। लेडीज एंड जेंटलमैन, इतनी शिद्दत से मैंने तुझसे पाने की कोशिश की कि सर्रे सर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। कहते हैं कि अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने के लिए लग जाती। ये ओम कपूर और मुझे मिला है अवार्ड। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। आज मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने ये अवार्ड मुझे दिया, पर सच बात तो ये है कि अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने के लिए लग जाती। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया और इतना कि मैं अपने आप को किंग ऑफ द वर्ल्ड समझने लगा। आज मुझे इस बात का यकीन हो गया कि हमारी जिंदगी में भी दी एंड होते होते सब कुछ हिंदी पिक्चरों की तरह ठीक हो ही जाता है, और अगर ठीक ना हो तो वो दी एंड नहीं है दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। मेरी फिल्म डर बहुत हिट हुई थी, मेरी एक्टिंग बहुत पसंद की थी लोगों ने। उसके बाद से मेरी हंसी भी चेंज हो गई और मेरे डायलॉग्स भी चेंज हो गए, और उसके बाद मेरी बहुत सारी ऐसी फिल्में आई जिसने लोगों का दिल जीत लिया, जैसे दिल तो पागल दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सब में दिल ही दिल था। इसीलिए मुझे बहुत सारे लड़कियों के और लोगों के दिल भी मिले। अब हम बुलाते हैं खिलाड़ी कुमार को जिन्होंने भी बहुत सारे दिल लूटे। हाय, मैं हूँ अक्षय कुमार और अब मैं आप लोगों को अपनी एक फिल्म का डायलॉग सुनाऊंगा जो कि मेरी ऐसी मील का पत्थर साबित हुई थी, जिसके बाद आने वाली मेरी सारी फिल्में बिल्कुल हिट होती गई और मेरी एक्टिंग को लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मेरी एक फिल्म आई थी इंटरनेशनल खिलाड़ी,
उस फिल्म का डायलॉग था, नहीं ट्विंकल नहीं। मैं लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करता, लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार करता है गुलशन क्लोवर। यू की ये बात सुन के आई का दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। ठकराल, ये तूने बहुत गलत किया। आई तो हमेशा सही करता है, गलत तो यू है। यू शहर मयान बन गया है ठकराल, जिसमें दो तलवारें एक साथ नहीं रह सकती। मुनासिब होगा कि कल सुबह होते होते तुम ये देश ये शहर सब छोड़ के चले जाओ। ये शहर छोड़ के आई नहीं जाएगा, यू जाएगा। यू और तुम्हें इस देश से बाहर करेंगी मेरी ये तीन फीमेल फाइटर्स। ना तो इनके पास आंचल है, ना ही ये कहीं से तेरी माँ लगती है। क्यों सहारा लेता है इन लड़कियों का? ये ऐसी वैसी लड़कियां नहीं है, ये WWE की फीमेल फाइटर्स है। फीमेल फाइटर्स? अच्छा, ये फीमेल फाइटर्स तुझसे लड़ाई लड़ेंगी। ठकराल, तुझे मालूम है मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता। पर ये तो तुझ पे हाथ भी उठाएंगी और लात भी उठाएंगी। ठकराल, अगर ऐसा है तो मैं मर्दों की शान भी रखूंगा और औरत की आन भी। यू की इस बात से आई का दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। तो फिर देर किस बात की है? अब हम बुलाते हैं सलमान खान जी को, जिनकी फिल्म तेरे नाम का बहुत ही फेमस डायलॉग था। अब वही बोलेंगे भैया। सुन चुनी, इधर आ। एक बार बोलूंगा, ध्यान से सुना। मेरा उसका चल रहा है, किसका निर्जला का, और सब बात तय कर ली मैंने उसके साथ। बोलन फाला समझो, आंदा कभी उसके साथ दिखाई मत देना। अगर तू उसके साथ दिखाई दिया ना तो सिगरेट तेरी चोटी में रखूंगा, रॉकेट की तरह चलेगा। समझो? अच्छा बेचारा। मेरा एक और फिल्म का, इसी फिल्म का एक और डायलॉग था जो मैंने आज तक कभी नहीं बोला, पर आज मैं बोलता हूं। सुनो निर्जला, सुनो। मैं, मेरे घर वाले सब तुम्हें रानी बना के रखेंगे। प्लीज मेरी बात को मान जाओ। जब भी मैं सोचता हूं ना तुम्हारा उसके साथ क्या भविष्य होगा, मेरा दिल मेरा दिमाग ऐसे चक्कर खा जाता है, ऐसे चक्कर खा जाता है। शायद हो सकता है वो लड़का तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो। तुम एक काम करो, उसे अपना भाई बना लो। तुम एक काम करो, उसे अपना दोस्त बना लो। मैं उसे दोस्त इक्वायर कर लूंगा। पर निर्जला, अब तुम्हें देर नहीं करना चाहिए, हमें आगे आने वाले भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। बिकॉज आई एम सलमान खान, और मेरा एक और फिल्म का डायलॉग था, जय 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 एक बार जय जवानी फिर ना आए, हे जवानी फिर ना आए। अब हम इस प्यारी सी क्लोजिंग सेरेमनी में एक बहुत ही लाजवाब और नायाब एक्टर को बुलाते हैं, जिनने बहुत ही अच्छा गाना गाया था। फिल्म बहुत ही सुपरहिट गई थी, रोसी का छोटा सा सॉन्ग हो जाए। ओ यारी है,
हो यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, हो यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, हो यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, ओ 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 यारी है, ओ यारी है ईमान मेरा यार जिंदगी, ओ यारी है ईमान मेरा यार मेरी 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 जिंदगी, ओ यारी है ईमान में यार मेरी जिंदगी, ओ यारी है ईमान यार मेरी जिंदगी, ओ यारी है ईमान में यार मेरी जिंदगी, मेरे साथ रहना है इतना तू समझ ले, अच्छा लगू आ जाने तो सीधा तू निकलना है ममिता, ना दिलीप कुमार ना किसी हीरो के बच्चे, हम तो हैं सीधे साधे समीर समीर, कभी बैंग कभी बूम ऐसे समीर समीर, कभी बैंग कभी बूम ऐसे समीर समीर, ऐसे बैंग कभी बूम ऐसे समीर समीर, कभी बैंग कभी बूम ऐसे समीर, ना ममिता ना दिलीप कुमार ना किसी हीरो के बच्चे, हम तो हैं सीधे साधे समीर समीर, कभी बैंग कभी बूम ऐसे समीर समीर, हाँ कभी बैंग कभी बूम ऐसे समीर समीर, कभी बैंग कभी बूम ऐसे समीर। या मैं हूँ शाहरुख खान, ओम शांति ओम, और ये साउथ इंडियन फिल्म की एक बहुत ही बेहतरीन शूटिंग हो रही है। उसका सीन है, सामने से दीपिका पादुकोण सामने से आती हैं और ये शाहरुख खान का बेस्ट सीन स्टार्ट होता है। यू दुर्जन मैं मुर्गन, यन्ना रस्कला माइंडेड, नेवर माइंड यन्ना रस्कला माइंडेड, मैं हूँ रजनीकांत यन्ना रस्कला माइंडेड, यम मुर्गन यन्ना रस्कला माइंडेड मुर्गन। आज मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आज मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये सब कुछ एक बार फिर होगा, मेरी जिंदगी में होगा और मैं अवार्ड जीतूंगा। ये दर्द मेरे अंदर आज भी है, यदि माँ एक जूनियर आर्टिस्ट थी,
और मैं एक जूनियर आर्टिस्ट हूं, पर एक दिन मैं अवार्ड जीतूंगा, हीरो बनूंगा। मैंने तो उसके लिए एक स्पीच भी तैयार कर ली, एक स्पीच। लेडीज एंड जेंटलमैन, इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की कि सर्रे सर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। कहते हैं कि अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने के लिए लग जाती। ये आहू ओम कपूर, और मुझे मिला है अवार्ड। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। आज मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने ये अवार्ड मुझे दिया, पर सच बात तो ये है कि अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने के लिए लग जाती। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया और इतना कि मैं अपने आप को किंग ऑफ द वर्ल्ड समझने लगा। आज मुझे इस बात का यकीन हो गया कि हमारी जिंदगी में भी दी एंड होते होते सब कुछ हिंदी पिक्चरों की तरह ठीक हो ही जाता, और अगर ठीक ना हो तो वो दी एंड नहीं है दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। मेरी फिल्म डर बहुत हिट हुई थी, मेरी मेरी एक्टिंग बहुत पसंद की थी लोगों ने। उसके बाद से मेरी हंसी भी चेंज हो गई और मेरे डायलॉग्स भी चेंज हो गए, और उसके बाद मेरी बहुत सारी ऐसी फिल्में आई जिसने लोगों का दिल जीत लिया, जैसे दिल तो पागल। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सब में दिल ही दिल था, इसीलिए मुझे बहुत सारे लड़कियों के और लोगों के दिल भी मिले। अब हम बुलाते हैं खिलाड़ी कुमार को, जिन्होंने भी बहुत सारे दिल लूटे। हाय, मैं हूँ अक्षय कुमार, और अब मैं आप लोगों को अपनी एक फिल्म का डायलॉग सुनाऊंगा जो कि मेरी ऐसी मील का पत्थर साबित हुई थी, जिसके बाद आने वाली मेरी सारी फिल्में बिल्कुल हिट होती गई और मेरी एक्टिंग को लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मेरी एक फिल्म आई थी इंटरनेशनल खिलाड़ी, उस फिल्म का डायलॉग था, नहीं ट्विंकल नहीं, मैं लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करता, लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार करता है गुलशन क्लोवर। यू की ये बात सुन के आई का दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। ठकराल, ये तूने बहुत गलत किया। आई तो हमेशा सही करता है, गलत तो यू है। यू शहर मयान बन गया है ठकराल, जिसमें दो तलवारें एक साथ नहीं रह सकती। मुनासिब होगा कि कल सुबह होते होते तुम ये देश ये शहर सब छोड़ के चले जाओ। ये शहर छोड़ के आई नहीं जाएगा, यू जाएगा यू, और तुम्हें इस देश से बाहर करेंगी मेरी ये तीन फीमेल फाइटर्स। ना तो इनके पास आंचल है, ना ही ये कहीं से तेरी माँ लगती है, क्यों सहारा लेता है इन लड़कियों का। ये ऐसी वैसी लड़कियां नहीं है, ये WWE की फीमेल फाइटर्स है, फीमेल फाइटर्स। अच्छा, ये फीमेल फाइटर्स तुझसे लड़ाई लड़ेंगी। ठकराल, तुझे मालूम है मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता। पर ये तो तुझ पे हाथ भी उठाएंगी, औलाद भी उठाएंगी। ठकराल, अगर ऐसा है तो मैं मर्दों की शान भी रखूंगा और औरत की आन भी। यू की इस बात से आई का दिल तो गार्डन गार्डन हो गया,
तो फिर देर किस बात की है? अब हम बुलाते हैं सलमान खान जी को, जिनकी फिल्म तेरे नाम का बहुत ही फेमस डायलॉग था। अब वही बोलेंगे भैया। सुन चुनी इधर आ, एक बार बोलूंगा ध्यान से सुना, मेरा उसका चल रहा है, किसका निर्जला का, और सब बात तक अली में उसके साथ बोलन फाना समझो, आंदा कभी उसके साथ दिखाई मत देना, अगर तू उसके साथ दिखाई दिया ना तो सिगरेट तेरी चोटी में रखूंगा, रॉकेट की तरह चलेगा, समझो। अच्छा बेचारा मेरा एक और फिल्म का, इसी फिल्म का एक और डायलॉग था जो मैंने आज तक कभी नहीं बोला, पर आज मैं बोलता हूं। सुनो निर्जला, सुनो, मैं, मेरे घर वाले सब तुम्हें रानी बना के रखेंगे, प्लीज मेरी बात को मान जाओ। जब भी मैं सोचता हूं ना तुम्हारा उसके साथ क्या भविष्य होगा, मेरा दिल, मेरा दिमाग ऐसे चक्कर खा जाता है। शायद हो सकता है वो लड़का तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो। तुम एक काम करो उसे अपना दोस्त बना लो, मैं उसे दोस्त इक्वायर कर लूंगा। पर निर्जला, अब तुम्हें देर नहीं करना चाहिए, हमें आगे आने वाले भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। Because I'm सलमान खान, और मेरा एक और फिल्म का डायलॉग था, जय 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 एक बार जय जवानी फिर ना आए, हे जवानी फिर ना आए। अब हम इस प्यारी सी क्लोजिंग सेरेमनी में एक बहुत ही लाजवाब और नायाब एक्टर को बुलाते हैं जिनने बहुत ही अच्छा गाना गाया था, फिल्म बहुत ही सुपरहिट गई थी, रोसी का छोटा सा सॉन्ग हो जाए। ओ यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, 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 ओ यारी है ईमान मेरा यार जिंदगी, ओ यारी है ईमान मेरा यार मेरी 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 जिंदगी, ओ यारी है ईमान में यार मेरी जिंदगी, ओ यारी है ईमान यार मेरी जिंदगी, ओ यारी है ईमान में यार मेरी जिंदगी। हा, एक बार नहीं, बार बार, हर बार, सिर्फ और सिर्फ सुपरस्टार माधव कुमार, हिट बॉस। Please like, share and subscribe my video to watch more videos like this.
लाइक कीजिए नीचे नीचे और शेयर भी कीजिए उसे, ताकि मेरा ये मैसेज हर एक व्यक्ति तक पहुंच पाए। और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली बार जब कोई और फिल्म लेकर के मैं आऊं तो उसे आप देख पाए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू।